हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जो है बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर की वाइवा के ऊपर बात करेंगे कि आपको जो है वाइवा कैसे देना है और आपके वाइवा में जो है कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यह जो वाइवा होती है कब होती है। तो आपकी जो ये वाइवा होती है सेकेंड ईयर में होती है और ये वाइवा का जो अंक होता है यह आपका 100 नंबर का होता है जो कि आपको एक्सटर्नल तौर पर मिलता है। यह जब वाइवा होता है तो आपके उस समय जो है कॉलेज के कोई टीचर उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, बल्कि वो दूसरे कॉलेज के जो होते हैं टीचर आते हैं, तब जाकर जो है आपका वाइवा लिया जाता है। वाइवा में जो है क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके ऊपर इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर वाइवा कैसे दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वाइवा कैसे दे, क्योंकि आप सभी लोगों ने नहीं दिया होगा तो आपको जानकारी नहीं होगा। तो आप जो है बिहार जो सेकेंड ईयर की आपकी वाइवा है इसे आप लोग कैसे देंगे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये वाइवा जो होता है आपके 100 नंबर के होते हैं, वाइवा जो है आपके 100 नंबर के होते हैं। टोटल आपका जो है 100 नंबर होता है वाइवा का, जो कि आपका ACP2 में दिया जाता है। और ACP2 जो होता है आपका टोटल 400 नंबर का होता है, जिसमें आपको बहुत सारे कार्य करने होते हैं, उसके बाद जो होता है आपको ये 400 नंबर मिलते हैं। लेकिन यह 400 नंबर में से जो है आपका 100 नंबर जो होता है इसी वाइवा पर टिका होता है, जो कि आपको एक्सटर्नल मार्क्स के तौर पर जो होता है बाहर से जो टीचर आते हैं वो आपके वाइवा लेकर जो है आपको ये नंबर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि वाइवा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ये वाइवा होता है इसमें जो है आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू आप कैसे देते हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वाइवा देने का अर्थ है कि आप वहां पर अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस तरह से जो है आपको प्रिपेयर होके जाना है। जैसे आप कक्षा में इंटर करते हैं, जैसे किसी सर कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे उनसे मतलब आज्ञा लेकर जो है इंटर करते हैं, मे आई कम इन सर, तो उसी तरह जो है आपको नॉर्मल वे में जो है वहां पर जाना है। क्लास में इंटर करते समय मे आई कम इन सर कहना है। वहां जाने के बाद जो है जितने भी 2-3-4 टीचर्स वहां बैठे होते हैं उन सभी को जो है अभिनंदन करना है, अभिवादन करना है, मतलब कि गुड मॉर्निंग बोलना है, जो भी सिचुएशन के अनुसार से आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि वाइवा में जो है कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसके ऊपर बात कर ले। तो जैसे कि यहाँ देखिए कि सेकेंड ईयर पेपर, सेकेंड ईयर में जो है आपको कितने पेपर पढ़ने होते हैं, टोटल जो होते हैं आपको S8 तक पढ़ने होते हैं, S1 से लेकर S8 तक जो होता है पेपर आपको पढ़ने होते हैं, और S9 सब्जेक्ट जो होता है ये सभी लोगों का जो होता है अलग अलग होता है, वो अपने अनुसार जो है सिलेक्ट किए होते हैं रजिस्ट्रेशन के समय, तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपके सेकेंड ईयर में पेपर है S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8, ये 8 पेपर जो होता है आपने पढ़ा होगा, तो इस 8 पेपर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड हो, जो कि सामाजिक प्रश्न होते हैं, जो आपके वाइवा होंगे तो आपके चैप्टर से भी कोई कोई टीचर जो होते हैं, 4 टीचर वहां बैठे होते हैं, 5 टीचर जो होते हैं बैठे होते हैं कहीं कहीं, तो वहां पर क्या होता है कि आपको ये सब्जेक्ट के अनुसार जो होता है जनरल प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इजी होते हैं और ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, बस आपको थोड़े से प्रश्न को समझना है और उसके अनुरूप जो है जितना आता है उतना ही बोलना है। ये नहीं कि आपको लेंदी ले जाना है, ज्यादा कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है, ज्यादा कोई बड़ा वाइवा नहीं होता है, एक नॉर्मल वे में जो होता है वाइवा होता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको आता है तो जरूर उसका जवाब देंगे, थोड़ा सा ही आता है लेकिन आप थोड़ा सा ही देंगे, ये नहीं कि मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं करना है, आपको जो है आंसर देना है, थोड़ा दे लेकिन दे। S9 पेपर जो होता है यह थोड़ा जो होता है डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों का जो होता है S9 पेपर अलग अलग होते हैं, तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ये आपका पेपर है S1 से लेकर S8 तक ले, तो इसमें जो होता है कि आपका जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रश्न से होंगे लेकिन वो सामाजिक प्रश्न होंगे, जनरल प्रश्न होंगे। S9 जो होता है आपका स्पेशलाइज पेपर होता है, जैसे साइंस होता है, मैथ होता है, EVS होता है, तो इस तरह से जो होता है आपसे पूछ सकता है कि S9 पेपर आपने क्यों लिया। अगर मान लीजिए कि आप S9 पेपर में सोशल साइंस लेते हैं या आप वहां पर हिंदी लेते हैं तो या मैथ लेते हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्यों लिया आपने, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि मुझे आगे चलकर ये करना है, इसलिए जो है मैंने यह प्रश्न को या पेपर को जो है मैंने चूज किया। तो इस तरह से आप वहां जवाब दे सकते हैं इजी वे में, नॉर्मल वे में जो है आपको जवाब देना है, डरना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत होता है हेजिटेशन जो होता है वो सभी लोगों को ले डूबता है, तो हेजिटेशन दूर रखकर जाना है।
जैसे यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है नॉर्मल रहना है और भाइबा के समय, मतलब कि आपको जो है जब भाइबा देंगे तो उस समय जो है आपको नॉर्मल रहना है। जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा कक्ष में किसी बच्चे को आप पढ़ाती हैं तो कैसे वहां नॉर्मल रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है आपको वहां भी नॉर्मल रहना है। सामने वाले को समझना है कि वह मेरे ही सहपाठी है, इस तरह से कोऑर्डिनेट करके जो है आप आसानी से जो है अपने भाइबा को जो है दे सकते हैं। वहां पर अगर आप हेजिटेशन हो जाएंगे तो वहां पर उनको लगेगा कि आपको जानकारी नहीं है और आपका जो है नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए सेकंड ईयर के जो भी पेपर होते हैं S1 से लेकर S9 तक के, उससे जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं एक या दो, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एक या दो पूछे जाते हैं। अब जो होता है आपके ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं भाईवा में वह होते हैं आपके ACP2 से रिलेटेड। ACP2 से रिलेटेड कहने का अर्थ है कि जैसे कि आप सामुदायिक कार्य हो गया, पाठ योजना हो गया, लेसन प्लान हो गए, फिर आपका एक्शन रिसर्च हो गया, फिर शैक्षिक स्थिति का आकलन व मूल्यांकन हो गया, ये सब जो भी आपने किया होगा सेकेंड ईयर के ACP के दौरान उसके आवश्यकता को पूछ सकते हैं, उसके महत्व को पूछ सकते हैं, उसके उद्देश्य को पूछ सकते हैं कि इस सब का महत्व क्या है, इसका आवश्यकता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आपने सामुदायिक कार्य किया तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब पूछे जा सकते हैं। आपने सामुदायिक कार्य जिस टॉपिक पर किया है उसके महत्व को पूछ सकते हैं, आपने कैसे किया ये पूछ सकते हैं। फिर आपका पाठ योजना पूछेंगे कि पाठ योजना बनाने का उद्देश्य क्या है, अपने लेसन प्लान जो बनाते हैं सेकेंड ईयर में उसको बनाने का उद्देश्य क्या है। उसको बनाने का उद्देश्य यही है कि जब हम किसी भी शिक्षण पढ़ाने जाए तो वहां पर जो है मुझे पहले से जो है उस पाठ की जानकारी हो, ताकि मैं हम बच्चे के सामने जो है इसे अच्छे से अच्छे जो है डील कर पाए। इसलिए जो है पाठ योजना बनाया जाता है, पढ़ाने से पहले आपको थोड़ी नॉलेज हो जाती है उसके बारे में। फिर आता है एक्शन रिसर्च, चाहिए कैसे आपको पढ़ाना है वो भी आपको जानकारी हो जाती है। फिर आपका एक्शन रिसर्च आता है तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सभी चीजें जो होती है पूछ ली जाती है आपके भाईवा में। फिर यहाँ पर देखिए शैक्षिक स्थिति का आकलन व मूल्यांकन प्रश्न पूछ देंगे कि मान लीजिए कि हम लोग एक, वो सभी टीचर बोलेंगे कि हम लोग जो है स्टूडेंट है, आप टीचर है, आप मेरा मूल्यांकन या आकलन कैसे करेंगे, किस वे में करेंगे, किस विधि से करेंगे, इसका प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ज्यादातर जो होता है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं होता है, बस आपके ये चारों जो है पॉइंट जरूर रख ले, सामुदायिक कार्य, पाठ योजना, एक्शन रिसर्च, शैक्षिक स्थिति का आकलन और मूल्यांकन, और ये सभी जो पेपर होते हैं इनसे जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि दैनिक जीवन में जो है उपयोग किया जाता है। बस आपका भाईवा में जो है इसी पैटर्न पर जो होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे जो होते हैं अक्सर डर जाते हैं, लेकिन भाईवा जो है इजी होता है, बस वहां पर आपको पेशेंस नहीं खोना है, आपको जो है वहां पर हेजिटेशन नहीं रहना है। बस आपका 100 नंबर जो है या आपके अनुसार जो है आपके हेबिटेशन के अनुसार वहां पर जब जाते हैं, वहां पर जब आप जवाब देते हैं, बात करते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं आप उनसे, तो उसके अनुसार जो है आपको नंबर दिया जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही, आप समझ गए होंगे कि आपको जो है भाईवा कैसे देना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।